आउटफिट किसके लिए? तो गाइस आपने वो ट्रेलर देखा सास बहू और फ्लेमिंगो का, है ना? हाँ। तो उसमें जो गाना भी है, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, कितना कूल है ना। तो ये आउटफिट उसी शो से इंस्पायर्ड है। सो उसमें डिम्पल जी, अंगीरा, राधिका, तो बहुत ही बैड ऐस लड़कियाँ हैं। सब ने बिल्कुल फाइट वाइट कर लिए गन लेके, तो मैंने टॉप वैसे रखा है और फिर स्कर्ट, यू नो, उनके कॉस्ट्यूम से इंस्पायर है जो जहाँ पे लोकेशन में सेट है। एंड आई फील इट्स अ बैड ऐस शो, बहुत ही सेक्सी शो है, बहुत ही अमेजिंग है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रहा है 5 मई को। एंड सो आई वाज, मतलब आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय बैड ऐस वुमन। जब भी कोई औरत लड़ती है, ऐसे कुछ करती है, यू नो, अपना अपनी पहचान बनाने के लिए, बस अपना काम करने के लिए, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। सो आई वाज जस्ट रियली इंस्पायर्ड बाय द शो। तो आप लोग भी जाके प्लीज़ देखना सास बहू और फ्लेमिंगो ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऑन 5 मई। द ट्रेलर लुक्स अमेजिंग। जब वो शुरू हुआ था ना उसका गाना ट्रेलर में, रिश्तों के भी रूप बदलते, तो आई थॉट इट्स दैट सास बहू शो, पर बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। इट्स अमेजिंग। थैंक यू उर्फी जी। उर्फी जा रुकी, मैंने जा ऊपर रुकी है ना, जरा ऊपर लाइटियां ज्यादा अच्छी है। हां थोड़ा क्लियर कर दो पीछे से, पीछे से बड़ा क्लियर। उर्फी ये प्रेजेंटर, वन मोर ईयर प्लीज। ये लेट हो गया, मैं दोबारा कुछ नहीं बोल रही, सीन से क्लिप लो। बंदूक का क्या मतलब है? तो शो का ट्रेलर देखा है, औरतें कितनी बैड ऐस है, बंदूक लेके लड़ती रहती हैं। सो बस उसको सिग्निफाई करने के लिए है कि जब भी एक औरत को कुछ करना होता है ना, तो उसको अपने हाथ में बंदूक ताननी होती है अपना काम करने के लिए। तुम बाकी इनसे ले लेना। बहुत लंबा छोड़ा। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.